समर्स में स्किन टैन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि कैसे मेकअप की हेल्प से यू कैन डी टैन योर स्किन। हेलो एंड वेलकम टू लॉरियल पेरिस प्रेजेंट्स ग्लैमरस विथ मी मानसी स्कॉट। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्किन का कलर डिसाइड करता है मेलानिन, एंड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट इट इज इंजर्ड एंड रिस्पॉन्स बाय मेकिंग मोर मेलानिन और कलर, जिसकी वजह से स्किन डार्क या स्किन टैन हो जाती है। स्किन टैन होने से कई स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, सनबर्न्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, स्केलिंग ऑफ द स्किन और लेटर स्टेजेस पर कैंसर भी हो सकता है। स्किन को डी टैन करने के बारे में आइए और भी बहुत सारी बातें जानते हैं। हमारे आजकल मार्केट में कई तरह के सनस्क्रीन लोशंस मिलते हैं, पर यूजुअली इनका इफेक्ट सिर्फ 2 से 3 घंटों तक का ही होता है, इसलिए इन्हें रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लें, क्योंकि इनमें ज़्यादा एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होती हैं जो UVA और UVB दोनों ही रेडिएशंस को ब्लॉक करती हैं। Ideally, a good sunscreen should be hypoallergenic and non-comedogenic, so that it doesn't cause a rash or clog the pores, जिसकी वजह से acne हो सकता है। ये तो हुई बात sunscreen की, लेकिन de-tan होने के लिए अब और भी कुछ easy options आ गए। So now you know कि de-tan के लिए आपको कौन सा product लेना है। Well, हमारे आज के episode में इतना ही। Next episode में हम बात करेंगे bronzing के बारे में। Till then, look glamorous only with L'Oréal Paris and keep watching Zoom। इसको देखो।